बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेन पे। फ्रेंड्स, आपके बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम यहां पे समाप्त हो चुके हैं और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसका आंसर कराने वाला हूं। जी हां फ्रेंड्स, टोटल 120 प्रश्नों का आंसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं और वह 100% आपका सही होगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किया है। अब की बार फ्रेंड्स बहुत ही ईजी प्रश्न आया था आपके एग्जाम में और जो भी मैंने पढ़ाया था उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न जो पूछा गया था, आप देख सकते हैं जाके क्वेश्चन पेपर। अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो आपको खुद पता यहाँ पे होगा कि मैंने क्या आपको पढ़ा रखा था और कहाँ से प्रश्न आया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी कि सर कथन और निष्कर्ष से था, वहाँ पे सेलुलिज्म से था, प्रश्न उनको परेशान कर रहा था। तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पे रीजनिंग का वीडियो अपलोड है, वहाँ पे आप जाकर टोटल देख लीजिए। उसमें हर एक टॉपिक मैंने पढ़ा रखा, जो भी था आपका सिलेबस, कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क, जो भी था मैं सब कुछ वहाँ पे पढ़ा रखा था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं टोटल 120 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, मैं इसका जो है आपको सॉल्यूशन करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि टोटल 120 प्रश्न है, आपको जो है इसका आंसर सिर्फ पता होना चाहिए। आप जो है इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला है कि द टीचर वाज हैप्पी विद द स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड यहाँ पे खोजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। चलिए अगला आप देखते हैं कि द सोल्डर, ठीक है, द सोल्डर वाज काइंड, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि क्रूएल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दयालु है तो दयालु का क्या होता है, यहाँ पे क्रूएल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, थर्ड नंबर की एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, तो इसका क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसी के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा, आपका सीरीज अगर टेस्ट ग्रुप अलग है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस क्वेश्चन से आंसर को मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आप देख रहे हैं कि पॉलीगैमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ए थिंग विच इजली कैचेज फायर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देख सकते हैं इन फ्लेमर। ठीक है, देखिए थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बनाने में देरी हो रही है, क्योंकि 120 प्रश्न का यहाँ पे आंसर आपको बताना था थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको पता है कि अकेले ही हैं, सभी को जो है देखना होता है, रीजनिंग के प्रश्नों को तो कम से कम सॉल्व करके देखना ही होगा कि उसका आंसर कितना आया है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बनाने में देरी हो गई है। चलिए तो इसका राइट आंसर हम लोग कर दिए। अब देखिए फाइव नंबर हो गया, सिक्स नंबर देखते हैं, यहाँ पे सिक्स नंबर आपको नजर आएगा कि एन अनमैरिड मैन, ठीक है, जो अविवाहित मैन होता है, आदमी होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि उसको बैचलर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला कि एनिमल डैट फीड ऑन ग्रास, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देख पा रहे हैं कि आप स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आठ नंबर देखेंगे कि वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स, तो ठीक है अपने गलत आदतों को कैसे आप क्या करेंगे, उससे छुटकारा पाएंगे, उसको निकालेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीव हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला देखिएगा, ठीक है, सरदार पटेल वाज आयरन मैन, सरदार पटेल को आयरन मैन कहा जाता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मैन ऑफ फायर डिटर्मिनेशन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय ए ट्रंक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, पुश्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 11 नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपके पास सही से दिख पाए। चलिए इसका आंसर कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, टू रीड बिटवीन द लाइन। देखिए इसके आंसर में थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे है, इसलिए क्योंकि इसका आंसर जो है दोनों हो सकता है। ठीक है, तो जो आपका जो ऑफिशियली आंसर वहाँ पे आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टिक करना है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ तो टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वाटर, ठीक है, राइटर। ठीक है, ये भी हो सकता है आपका टू रीड के फोली हो सकता है, जो भी इसका ऑफिशियल जब यहाँ पे आंसर किया आएगा तो उससे आप जो है इसका मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वन शुड नॉट मेक इरेवेंट रिमार्क, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कि नॉट बींग टू द पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वर्क हार्ड डेस यू शुड फेल, ठीक है, तो इसमें क्या वर्णना है, यह खाली आसान है, इसमें आपको लिस्ट का प्रयोग करना है किसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि वी सेल्ड डेट्स द रिवर, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि डाउन इसमें होगा, क्या होगा, डाउन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि एट लीस्ट ही एल्डेड दैट द
द टेम्पटेशन, तो इसका आंसर आपको करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। हम यहाँ से आपका खंड जो है सेकंड शुरू होता है, यहाँ से आपका हिंदी का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि दारा का अर्थ क्या होता है, तो देखिए दारा का अर्थ होता है पत्नी होता है, पत्नी होता है, अर्धांगिनी होता है, ये सभी जो है दारा का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखता है कि इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो मूर्धन्य व्यंजन जो होता है ट ठ ड ढ न, यह होता है, ठीक है, इसमें ड ढ है तो ये आपका मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा तत्वो शब्द है, तो देखिए इसमें तत्वो शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द चुने, ठीक है, इसमें तत्वो है, ठीक है, इसमें तत्सम पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो यह वर्ड होती है, और मैंने कल के वीडियो में ही आपको बताया था, बहुत सारे प्रश्न आप यहाँ से अभी देखेंगे, मैंने जितना कराया है उसमें से बहुत सारे प्रश्न मैंने दो दिन आपको जो वीडियो कराया है उसमें से कराया है। देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो देखिए चौपाई के जो प्रत्येक चरण होते हैं उसमें 16 मात्राएं होती है, क्लियर, 16 मात्राएं होती है उसमें से। अगला है कि रामचरितमानस की रचना शैली क्या है, तो देखिए रामचरितमानस की जो रचना शैली है वह दोहा चौपाई और शैली पर आधारित है, किस पे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने, तो देखिए महाप्राण ध्वनि जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि देख पाते हैं बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख हो जाएगा। अगला कि दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का चुने कि आहा डैश कितना सुंदर पुष्प खिला है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि इसमें अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स ये जो होता है अल्प विराम का चिन्ह होता है, आप हिंदी में पढ़ें इसको जो है अल्प विराम कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 की निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, तो आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराजय हो जाएगा, ठीक है, उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है। चलिए अगला है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो इस वाक्य को शुद्ध करता है, मैंने ऐसे बहुत प्रश्न आपको करा रखा था कि जिससे आप जो है यहाँ पे सही आंसर कर पाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना काम जो है स्वयं करो, ठीक है। अगला कि बहुवचन में सीरिया शब्द क्या होता है, देखिए बहुवचन क्या होता है, ठीक है, एक कहने इसमें उसी तरह से हो जाएगा, देखिए चिड़िया का क्या होता है, चिड़िया यानी चिड़िया कहने का मतलब एक चिड़िया, और चिड़िया कहने का मतलब कि बहुत सारी चिड़िया, ठीक है, तो बहुवचन में हो जाएगा आपका चिड़िया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो देखिए बात करें संस्कार शब्द में तो इसमें सम का प्रयोग हुआ है, किसका, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला कि निम्न में से शब्द में से आ उपसर्ग नहीं है, आपको बताना है कि आ उपसर्ग किसमें नहीं है, तो आ जन्म में जो है आ उपसर्ग नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जो है रीजनिंग का प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि खंड 3 है, यहाँ पे सेक्शन 3 की बात करें हम लोग, तो यह आपका रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पे मैं पूरी आपको क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आपको जो है आप अपना आंसर सही कर पाए, आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बात करें हम लोग तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि BJX हो जाएगा, जब इसको आप बताएंगे, ठीक है, बनाएंगे प्लस होगा इसमें बढ़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत सारा करवा रखा हूँ, ठीक है, मैंने टेस्ट में आपको करवाया था। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर का क्या हो जाए, देखिए 32 नंबर का मैं यहाँ पे राइट आंसर करता हूँ फिर आप वहाँ पे बना लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा NNY हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 30 का देख लेते हैं, 33 का, तो 33 का यहाँ पे सी हो जाएगा यानी कि NM हो जाएगा। चलिए 34 का देख लेते हैं, तो 34 का देख लेते हैं यहाँ पे, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि CIMTE हो जाएगा। चलिए 35 पे देखते हैं, तो 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में भारी गिरावट आई है, और अगला कहता है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। देखिए ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स मैं आपको करा चुका हूँ पहले, ठीक है, अभी आज से 4 से 5 दिन पहले भी मैंने ऐसा क्वेश्चन अपलोड किया था, और इसको बनाना कैसे है मैंने बताया था, और शुरू में मैंने तो यहाँ पे सिलेबस में आपको सारा प्रश्न जो है करवा दिया था ऐसे टाइप का प्रश्न। अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे, सारा वीडियो ऐसे ही पढ़ा होगा और यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ा हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 35 का बात करें तो सी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि कथन ए और कथन दोनों स्वतंत्र कारणों से प्रभाव है, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूँगा। चलिए सिर्फ आपको आंसर बताना है यहाँ पे। अगला है 36 की बात करें तो सभी चूहे बिल्ली हैं और उसके बाद सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर डबल आ रहा है। देखिए हिंदी में बनाइएगा तो कुछ हो रहा है, इंग्लिश में बनाने पे कुछ हो रहा है, ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे 36 है तो 36 का यहाँ पे बनाइएगा तो आपका सी आ जाएगा, दोनों सही हो जाएगा अगर हिंदी में बनाइएगा तो, क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए सम डॉग्स
आर कैट, ठीक है, कुछ चूहे कुछ कुए कुत्ते जो है चूहे हैं, ठीक है, लेकिन सम डॉग्स आर कैट दिया हुआ है, ठीक है, सम डॉग्स आर कैट यहाँ भी दिया हुआ है। चलिए कंक्लूजन हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखना है स्टेटमेंट में कि ऑल राइट्स आर कैट, ठीक है, सभी चूहे बिल्ली है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ऑल कैट्स आर डॉग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑल कैट्स आर डॉग दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है ऑल सभी बिल्लियाँ जो है कुत्ते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, यहाँ पे मैं बात करूँ तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि यदि एक और दो दोनों तर्कसंगत है, दोनों जो है सही हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका डबल आंसर नहीं होगा, सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि अगले क्वेश्चन का होगा मैं आपको बताऊंगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों जो है तर्कसंगत है। अगला ही देखिए कि सभी मुर्गियां चिड़िया है और कुछ मुर्गियां, यहाँ पे कुछ बकरियां मुर्गियां है, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे अलग होगा, ठीक है, डबल होगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कुछ बकरियां चिड़िया है, ठीक है, हिंदी में देखिए, और सभी मुर्गियां चिड़िया है यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा निष्कर्ष पे हम पहुँच गए, थोड़ा सा जल्दबाजी है, देखिए सभी मुर्गियाँ चिड़िया है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ बकरियाँ मुर्गियाँ है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ऑल हेंस आर बर्ड्स दिया हुआ है और यहाँ सम गॉड्स आर हेन दिया है, ठीक है, सम गॉड्स आर हेन दिया हुआ है, तो इसके अनुसार आप जो है इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें आंसर की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, यानी कि यदि एक और दो दोनों तर्कसंगत है, लेकिन अगर आप इसको बनाते हैं, ठीक है, जब आप इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जो है इंग्लिश में अगर बनाते हैं तो आपका आंसर जो है यहाँ पे मैच नहीं करेगा, और आंसर मैच क्यों नहीं करेगा, आंसर अगर बात करें इंग्लिश में बनाएंगे तो आपका केवल ओनली वन कैलकुलेशन फॉलो करेगा, केवल एक ही यहाँ पे फॉलो करने वाला है, और फॉलो करने का पीछे रीजन क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब कंक्लूजन देखेंगे ऑल हेंस आर गॉट लिखा है, ठीक है, ऑल हेंस आर गॉट यानी सभी मुर्गियाँ यहाँ पे बकरियाँ है, लेकिन यहाँ पे देखिए सभी मुर्गियाँ चिड़िया दे दिया है, ठीक है, हिंदी में देखिए चिड़िया दिया है निष्कर्ष में, और इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑल हेंस आर गॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पे मिस्टेक तो हुआ है। अब इसका आंसर जो है उसी के अनुसार जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो आएगा, जो उस समय ऑफिशियल आंसर सीट आएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो सकता है आपका, यहाँ पे हिंदी के अनुसार सी होगा और इंग्लिश के अनुसार आपका एक होगा, ठीक है, तो दोनों आपका यहाँ पे आंसर सही हो सकता है, इसके लिए आपको जो ऑफिशियली आंसर किया जाएगा उसका इंतजार करना होगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि देख पाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल, इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठीक है 16 आवर 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे प्रश्न भी मैंने करा रखे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 39, यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन जो मैंने कराया है परसों के टेस्ट में, मैंने जब टेस्ट वहाँ पे दिया था क्वेश्चन टेस्ट का, सेम यही क्वेश्चन था वहाँ पे, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन था, तो इसके अकॉर्डिंग कैसे इसका आंसर हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेम यही क्वेश्चन था जो टेस्ट में मैंने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है 40 नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यदि केवल एक जो है अनुमान अंतर्निहित होता है, ठीक है, केवल एक ही यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर ए, आप इसी के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे जो है सॉल्व करा दूंगा, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में। अगला है यहाँ पे 42 की बात करें, तो 42 यहाँ पे देख लेते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन जब बनाएंगे आप यहाँ पे, ऐसे प्रश्न है कि एक प्रतियोगिता में 5 व्यक्ति ABCD प्रतिभागी है, एक खेल का मास्टर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 42 का क्या आएगा, 42 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि ई होगा, 42 का क्या होगा, ई होगा। बात करें हम लोग 43 की, तो 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और 44 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए 44 का देख लेते हैं यहाँ पे, 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी हो जाएगा, जो कि कला से एंड संस्कृति का मास्टर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे 45 का, तो 45 जो है यहाँ दिया हो कि ई की पत्नी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ई की पत्नी जो है सी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देख पाएंगे आप 46 नंबर क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दिया है कि बेरी बेरी एक विषाणु जनहित संक्रमण है, तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, तो किसके विटामिन की कमी से होता है ना, विषाणु जनहित तो नहीं है, या अगला है ये तो गलत हो जाएगा, अगला कह रहा है कि विटामिन की कमी से बीमारियाँ होती है, ये बात तो सही है, या किसकी कमी से होती है, विटामिन की कमी से होती है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर, कि गलत ए जो है गलत है किंतु आर जो है सत्य है, यानी ये आपका गलत है लेकिन आर जो है आपका सत्य है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 47 हो जाएगा ना,
चलिए 47 देखते हैं कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बिल्कुल है, नर्मदा नदी कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। हालांकि नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नर्मदा नदी जो बंगाल की खाड़ी में बिल्कुल नहीं गिरती है, जो पश्चिम की ओर बहती है तो कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि एक जो है सत्य है, सही है, लेकिन किंतु आर जो है गलत है, ए वाला जो है गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो 48 नंबर क्वेश्चन जब आप बनाएंगे, ठीक है, ऐसे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं रैंकिंग में, सीटिंग अरेंजमेंट में मैंने करवा रखा है ऐसे प्रश्न, और ऐसे एक नहीं कई प्रश्न मैंने करा रखा है वहाँ पे, मैंने आप डिटेल्स में बताया भी है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, मिस किया है तो आप जाने। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। चलिए 49 की बात करें तो 49 का सी हो जाएगा, सुधीर हो जाएगा। नीरज जो बिया के मत कौन सा स्थित है? तो सुधीर हो जाएगा। चलिए अगला है 50 ही है कि अमर के दाहिने और दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो अमर के दाहिने दूसरे स्थान पर बात करें तो यहाँ पर विजय हो जाएगा। अगला है कि विजय और अमर के मध्य कौन सा स्थित है? तो देखिए विजय और अमर के बीच जो स्थित है वह राकेश या सौरभ, दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 52 का आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है, मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यदि केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है, ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? देखिए कहता है कि गरीब अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए। अगला है कि स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूली माली सहायता दे सकते हैं, यह सही है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 53 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूँ यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यदि दोनों कार्यवाही 1 और 2 अनुसरण करती है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 53 का। चलिए 53 का यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 54 की ओर। तो 54 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बीमार लोगों को दवा की जरूरत है, और यह सेम क्वेश्चन मैं आपको सिलेबस में करा चुका हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यदि केवल निष्कर्ष ये निकलता है, स्वस्थ लोगों की दवा की जरूरत है। और अगला कहते हैं कि लोग अपने घर में दवा रखते हैं, बिल्कुल स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है, जो स्वस्थ लोग हैं उनको दवा की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और लोग जो है अपने घर में दवा रखते हैं, ठीक है, एक इस ये जो है कंफर्म नहीं हुआ, ये जो आपका सही नहीं होगा, ठीक है, लोग जो है अपने घर में दवा रखते हैं। देखिए जो स्वस्थ लोग होते हैं वे दवा किस लिए रखेंगे, जो अस्वस्थ लोग होते हैं वे उन्हें दवा की जरूरत होती है, ऑप्शन ए ही सही होगा इसका, 54 का ए सही होगा। अगला है कि 55 का देखेंगे कि, चलिए 55 का देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं हम लोग, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आंसर आपको बता रहा हूँ ताकि आप मिलान सही कर सके। चलिए अब चलते हैं जीके में। तो जीके का प्रश्न जो है बहुत ही हलवा दिया है यहाँ पे। देखिए बंगाल का विभाजन, जब मैंने आपको डीपली वहाँ पे पढ़ा रहा था, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा रहा था जब डीपली वहाँ पे, तो मैंने बताया था कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, आपको ध्यान होगा, और यह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, यह क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था, ठीक है, मैंने कई बार यहाँ पे बोला, ठीक है, कि कर लीजिए लास्ट है, तो मैंने वहाँ पे वीडियो भी डाला था कि अंतिम वीडियो है, उसके पहले वाले वीडियो में मैंने यहाँ पे बताया था कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था। तो यहाँ पे किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, और 1916 ईस्वी में किया गया था चंपारण में नील की खेती के लिए। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, लगभग यह क्वेश्चन मैं 10 पर करा चुका हूँ 1885 ईस्वी में, और डीपली भी मैंने पढ़ाया था यहाँ पे। चलिए मैंने बताया था कि पहले इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 में, इसका जो जब वहाँ पे रखा गया कार्यक्रम, तो पहले पुणे में रखा गया, लेकिन महामारी के कारण जो है इसको हाल फिलहाल में वहाँ पे कहाँ के महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि बिरसा मुंडा किस राज्य में संबंधित है, तो बिरसा मुंडा कहाँ से है? झारखंड से संबंधित है। चलिए धनबाद में पड़ता है, वहाँ पे एक स्टेडियम भी है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। चलिए अगला कि गीतांजलि की रचना किसने की है, तो मैंने कल ही पढ़ाया था फ्रेंड्स आपको, और इसके पहले भी कई बार आपको बुक एंड अथर से जब प्रश्न मैंने पढ़ाया था उसमें था, ठीक है, और मैंने कई बार कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हलवा क्वेश्चन है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट भी इसमें गलतियाँ करती हैं कि वे इनको पता नहीं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, और एक क्वेश्चन भी मैं करंट अफेयर्स में करा रखा हूँ, जब मैंने वहाँ पर 20-20 क्वेश्चन कराया था आपको, तो उस क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन का 4 क्वेश्चन मैंने दिया था, और हर राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में मैंने बता दिया था, तो नीतीश कुमार है। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, ये भी मैं प्रश्न करा चुका हूँ, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, तो दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था, यह भी क्वेश्चन कराया जा चुका है। चलिए एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, जो 3000 क्वेश्चन की मैंने सीरीज रखी थी उसमें मैंने कराया था। हालांकि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, मैंने कल ही यह पढ़ाया है, ठीक है, इसके पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, और कल भी मैंने इसको पढ़ाया है, ठीक है, 1526 में।
दूसरा बताए थे 1556 में, तीसरा 1761 में। मैंने इसको ट्रिक से करने का आपको तरीका भी बताया था। अगला है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है। हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। अगला है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए महावीर का जन्म जो हुआ था वैशाली में हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला है कि कौन सा प्रथम वेद है, तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि वेद चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला वेद कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेद होते हैं। अगला है यहाँ पे कि मिजोरम की राजधानी कौन है, हलवा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या इसमें है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलत करके चला है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पड़ती है, तो कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ पड़ती है। अगला है कि पटना जो है किस नदी के किनारे स्थित है, फ्रेंड्स पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, हलवा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला कि ताजमहल किस शहर में स्थित है, देखिए ताजमहल की बात करें तो यह क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी कराया था आपको, कि जैसे ताजमहल का संबंध आगरा से है, क्वेश्चन आपको याद होगा, तो मुझे हर एक क्वेश्चन याद है यहाँ पे, मैंने जो आपको पढ़ाया तो मैंने बताया था कि ताजमहल का संबंध आगरा से है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था, तो कहाँ हो जाएगा, आगरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि गुलाबी शहर किसे कहते हैं, सब क्वेश्चन कराया जा चुका है फ्रेंड्स, जयपुर को कहते हैं। चलिए अगला है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, हलवा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे कि याद नहीं होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे इतने इजी प्रश्न का जवाब भी देना अच्छा नहीं लगता। अगला है कि पृथ्वी के जलमंडल में डैश सम्मिलित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायुमंडल, जलमंडल और समुद्र तीनों जो है अवस्थित होते हैं। अगला है कि पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश के सहयोग के द्वारा दर्शा सकते हैं, देखिए पृथ्वी पर किसी भी स्थान को अक्षांश और देशांतर दोनों के माध्यम से दर्शा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बिहार की राजधानी कौन सी है, चलिए क्वेश्चन पढ़ने में भी हंसी आ रही है, बिहार की राजधानी पटना पड़ती है। अगला बिहार का राज्यपाल कौन है, तो बिहार के राज्यपाल जो अभी फागू चौहान है, मैंने जब करंट अफेयर्स पढ़ा था उसमें भी आपको बताया था, उस समय जब करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा था उस बीच में कौन आए थे, उस समय लालजी टंडन थे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने जब करंट अफेयर्स आपको पढ़ा तो उस समय मैंने बताया कि फागू चौहान है, और मैं परसों के वीडियो में जब करंट अफेयर्स की मैं वहाँ पे 500 क्वेश्चन आपको सेंड किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति कौन है, राज्यपाल कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, मैंने सारे आपको बता दिया था वहाँ पे। चलिए अगला कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि कोसी किस नदी किस राज्य में स्थित है, मैंने आपको बताया कि बिहार की शोक नदी किसको कहते हैं, कोसी, कई बार पढ़ा दिया है, अब ध्यान देंगे तभी तो इसका आंसर कर पाएंगे। अगला है कि नेपाल की राजधानी कहाँ पड़ती है, तो कौन नहीं जानता है, नेपाल की राजधानी भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, अब आपको नहीं पता होगा तो मैं कह रहा हूँ कि पढ़ा रखा हूँ। अगला है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। अगला कि भारत का संबंध रुपया से है, यह क्वेश्चन मैं कई बार जो टेस्ट में भी करा चुका हूँ, तो बांग्लादेश का संबंध किससे है, भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, तो बांग्लादेश की टाका है। चलिए अगला कि मायोफिया जो आँख से संबंधित है, मेनिनजाइटिस किससे है, यह क्वेश्चन टेस्ट में नहीं आया कि आपके पास, कई बार क्वेश्चन आ चुका है टेस्ट में, तो मेनिनजाइटिस जो है मस्तिष्क से संबंधित है। अगला कि कौन पृथ्वी का भाग है, देखिए पृथ्वी का भाग जो सभी हो जाएगा, वायुमंडल, जलमंडल और समुद्र सब जो है पृथ्वी का भाग है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर जो है इसमें प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि ओजोन परत संरक्षण के लिए मुक्ता जिम्मेदार कौन सा है, मैंने उस दिन ही बताया था कि ओजोन परत के बारे में, ठीक है, कि कब मनाया जाता है, अभी हाल ही में 16 सितंबर को मनाया गया है, और इसके लिए उत्तरदायी जो होता है CFC होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है, मैंने कई बार इसको पढ़ा दिया है। अगला कि जकार्ता किस देश की राजधानी है, याद कीजिए जब करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी पड़ती है, और हर एक राज्य की राजधानी मैंने वहाँ पे और देश की राजधानी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए तो इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, तो अगला देखिएगा कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है, तो बात करें भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अरब सागर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कि भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो अभी जो रक्षा मंत्री कौन है ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ करंट अफेयर्स में, राजनाथ सिंह है। चलिए अगला है यहाँ पे क्वेश्चन कि RTI एक्ट 2009 किस वर्ष लागू किया गया था, देखिए RTI एक्ट 2009 2010 में लागू किया गया था, आया था 2009 में लेकिन लागू इसको किया गया था 2010 में। अगला देखेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BSP, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए भाजपा के लिए और BJP होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे BSP दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कि अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बुक एंड अथर्स मैंने कराया था वहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो यह क्वेश्चन आपके सामने आया था, APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। अगला कि संविधान सभा के कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संबंधित है, 2 दिन पहले मैंने यह क्वेश्चन कराया था और इसके पहले मैं कई बार करा चुका हूँ, 356, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, या करंट अफेयर्स जब मैंने आपको 500 क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने आपको बताया था, शुरू के ही 10 या 15 क्वेश्चन के आसपास ये क्वेश्चन आया था,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद हो जाएंगे, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। अगला कि कौन सा उपकरण जो है भूकंप मापता है, जब मैंने वहाँ पे मापन से कराया था तब मैंने वहाँ पे करा दिया था, जब 3000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी वहाँ पे मैंने करा दिया था, सिस्मोग्राफ से है, बायरोमीटर के बारे में मैंने बता दिया था, तो सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप को मापते हैं। अगला है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की ओर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन है कि समाज के में घटित नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यानी कि शिक्षा नीति विफलता, ठीक है, शिक्षा नीति विफलता हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन जो है 3 बार 3 RS का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, यानी कि बोलना जो है इसका भाग नहीं है। अगला है कि इनमें से कौन मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है, मूक बधिर की शिक्षा से कौन संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी जो है ब्रेल संकेत भाषा या ब्रेल जो है सभी जो है इससे संबंधित है। अगला देखते हैं कि जो विद्यार्थी मूक बधिर नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दिव्यांग हो जाएगा। अगला कि एक कक्षा में अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए, यह क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले ही करा रखा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ABC तीनों, तेज सीखने वालों को पढ़ाना, मध्यम गति से एक अच्छे अध्यापक का गुण होता है कि सभी को एक साथ लेके चलना। अगला यहाँ पे देखेंगे कि किस कक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो प्राथमिक किसके लिए प्रयोग किया, 1 से लेकर 5वीं कक्षा के लिए ना प्राथमिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उसके लिए उसके बाद जो होता है 5 से 8 तक जो होता है मध्य विद्यालय होता है, उसके बाद उच्च विद्यालय आता है, ये सभी तो आपको पता है नॉर्मल है ना, 1 से 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, 1 से 5 हो जाएगा सी ऑप्शन। हालांकि विद्यार्थी को कोई जो है संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका डैश की तरफ बढ़ना है, यह क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको ध्यान होगा तो देखिए बहुत क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, इसमें जितना क्वेश्चन आया उसमें से 5-10 ऐसे प्रश्न होंगे जो मैंने आपको नहीं कराया होगा, नहीं तो लगभग सारे प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगला है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है, तो देखिए भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो होती है वह 6 वर्ष होती है, कितनी होती है 6 वर्ष होती है। अगला कि विद्यालय में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि शिक्षकों की अनुपस्थिति हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा शिक्षकों की अनुपस्थिति। अगला कि एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह अच्छा स्वास्थ्य होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक सेमेस्टर में कितने महीने होते हैं, कितने महीने का अवधि होता है, तो सभी जानते हैं कि एक सेमेस्टर में जो है 6 महीने का अवधि होता है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि सकारात्मक अधिगम सीखने का प्रवेश तत्व तो कौन सा है, यह क्वेश्चन 2 से 3 दिन पहले भी आया था आपके पास टेस्ट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलपूर्वक नियंत्रण हो जाएगा, सकारात्मक अधिगम सीखने का तत्व जो है। अगला कि विद्यालय में NCC किसके अंतर्गत आती है, NCC का स्थापना 1948 में की गई थी, नेशनल क्रेडिट कोड होता है इसका फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेवा क्रिया के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सी साहित्य की क्रिया नहीं है, तो साहित्य की क्रिया की बात करें तो वह हो जाएगा NSS हो जाएगा, ठीक है, यह भी विद्यालय में ही आता है। अगला कि यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो अच्छे टीचर का निशानी होता है कि क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए, ठीक है, उन्हें दंडित करना चाहिए, मारना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए, ऐसे तो आप ऑप्शन से ही इसको बना सकते थे। अगला कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है, जो उच्चतर माध्यमिक होते हैं उसकी शिक्षा की अवधि जो होती है कितनी होती है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 वर्ष होती है। अगला कि एक विद्यालय में निम्न में से कौन जो है वांछित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दैहिक दंड जो है इसका मानक नहीं, वांछित नहीं है। अगला कि विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कि विद्यालय अभी विद्यार्थियों में अधिगम सीखने के लिए निम्न से कौन सा प्रभावी सर्वाधिक प्रभावी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्देशित क्रिया यहाँ पे प्रभावित होती है। अगला कि निम्न में से कौन सा विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कक्षा व्याख्यान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं कि एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या जो होती है वह क्या होती है, अच्छे अध्यापकों की कमी होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि अधिकम जो है सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, तो सबसे बड़ा गुण जो होता है विद्यार्थी को सीखने की जिज्ञासा होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 कि कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, तो एक अच्छे विद्यालय का गुण जो नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खेलों का आयोजन नहीं करना, क्योंकि खेल जो है बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, हर एक विद्यालय को यहाँ पे खेलों का आयोजन कराना चाहिए। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है, मैंने आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाया था भौतिक विद्यालय में भौतिक के बारे में, ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाया था टीचिंग एप्टीट्यूड में फर्स्ट क्लास में ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइब्रेरियन, आपको ध्यान होगा तब ना।
चलिए अगला है कि जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, उसमें कोई उम्र सीमा नहीं होती है तो उसे कहते हैं खुली शिक्षा की संस्था। क्या कहते हैं? खुली शिक्षा की संस्था। तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 120 क्वेश्चन का आंसर मैंने करा दिया। यहाँ पे हो सकता है एक दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिस हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा मिस नहीं होगा, एक से दो क्वेश्चन का आंसर मिस हो सकता है। और यहाँ पे जब ऑफिशियली यहाँ पे आंसर आएगी तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि जो यहाँ पे आंसर होता है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों का जो है दूसरा आंसर होता है, तो उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है, एक से दो यहाँ पे चेंजिंग होती है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही हुआ है, ठीक है, कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। तो आप ग्रुप में है तो ग्रुप में बताएंगे, अगर आप ग्रुप में नहीं है तो यहीं पे YouTube पे जो है कमेंट करके बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।